हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और बज रहे हैं दोपहर के 11 और मैं अभी कुछ सो कर उठी हूँ। आज बहुत ज़्यादा सोई हूँ, नींद लग गया, मैं सो गई थी और उसके बाद उठी हूँ तो मैं सोची चलो बच्चे को खाना बना लें। तो मैं देखी ये कद्दू की सब्जी मैं बनाने जा रही हूँ, कद्दू की सब्जी लेकर बैठी हूँ। देखिए इसका छिलका ऐसे करके मैंने ऐसे पीस में इसको कर लेती हूँ, उसके बाद से इसका छिलका ऐसे ऐसे उतार देती हूँ। तो यही कद्दू की सब्जी लेकर बैठी हूँ, बनाने जा रही हूँ। कद्दू की सब्जी इसको बहुत पसंद है और वही कल खरीदवाया था कि मम्मी कद्दू ले लो, तो मैंने लिया और मैं सोची चलो बना दें। बच्चे सारे, इस बच्चे तो स्कूल चले गए हैं, बस हम ही हैं। और सब्जी बनाने जा रही हूँ और अभी उसके पास टाइम हो जाएगा बाबू के स्कूल से लाने का, फिर चली जाऊंगी लेने। तब तक मैं सोच सब्जी बनाना। और सब्जी और चावल बहुत अच्छा लगता है। कद्दू की सब्जी, मसाले वाली कद्दू की सब्जी मुझे बहुत अच्छी लगती है, मुझे भी अच्छी लगती है और इसको भी बहुत अच्छा लगता है। सूखा वाला नहीं लेकिन मसाले वाला बहुत अच्छा लगता है। ये मैं सब्जी काट ली हूँ, अब मैं चल रही हूँ। इसमें वो सरसों वाला मसाला पड़ता है ना, बहुत अच्छा लगता है। आप लोगों के घर कैसे बनता है कद्दू वाली सब्जी, कमेंट करके बताइएगा। हम तो इसमें मसाला ऐड करते हैं, सरसों वाला मसाला। तो कद्दू मेरा सारा कट के रेडी हो गया है, ये देखिए सारा कद्दू कट के रेडी हो गया है। अब मैं चल रही हूँ, सरसों वाला मसाला थोड़ा सा पीसूंगी, उसके बाद से बनाऊंगी, फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। देखिए सब्जी मेरी रेडी हो गई कट के, ऐसे छोटे छोटे पीसेस में कटते हैं। बहुत सोई हूँ अभी, जस्ट सोकर उठ रही हूँ, बहुत ज्यादा सोई हूँ। देखिए मैं कढ़ाई में तेल डाल दी हूँ, इसमें हल्का सा हींग और मेथी डाली हूँ। उसके बाद से ये मैं मसाला रखी हूँ। देखिए मेरा मसाला इसमें जो है, सरसों है, लहसुन है, जीरा है और मिर्चा है, सारा गरम मसाला है ये मैं रखी हूँ। और इसको मैं क्या करूँगी, इसी में डाल दूंगी, तेल गर्म हो चुका है इसी में डाल दूँ। इसके बाद से मैं इसको भून लूँगी, जब ये ब्राउन कलर का हो जाएगा उसके बाद से इसमें मैं कद्दू को ऐड करूँगी। मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ, आप लोग पता नहीं कैसे बनाते हैं। तो मैं ऐसे बनाऊंगी जब तक ब्राउन कलर नहीं हो जाएगा। तो देखिए एक अच्छे से भुना गया है, तेल जो है मसाला के ऊपर देखिए आ गया है, अच्छे से ये भुना गया है मसाला। फिर इसमें डालेंगे कद्दू, मैं काट के रख देती हूँ। तो देखिए एक कद्दू भी डाल देंगे, ठीक है। अब कद्दू डाल के इसमें मैं डालूंगी चीनी, हम लोग चीनी डालते हैं, एक दो चम्मच चीनी डाली इसमें। उसके बाद से इसमें डालेंगे फिर नमक, थोड़ा देर इसको ढक देंगे। थोड़ी देर के लिए इसको आप ढक देते हैं। ये सब बाहर का पोर्शन है बाबू के स्कूल का। आओ, बाबू के स्कूल आ गई हूँ और ये बाबू के स्कूल का है सामने का, ये देखिए ऊपर का बाबू का स्कूल है। आ
तो देखिए, आओ बेटा, पी रहा है बॉटल से, देखो दिखा दूं, लो पानी पी रहा है। आइए, बाबू के स्कूल का गेट है, देखिए देखिए, स्कूल से आते ही मोबाइल पे लग गए। अरे बेटा, कपड़ा वपड़ा निकाल लो, स्कूल से आते ही ये मोबाइल पे लग गए हैं। देखिए देखिए देखिए, गुस्सा रहे हैं मेरे ऊपर। देखिए मेरा ही वीडियो ये देख रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड, मैं कपड़े धुल रही हूँ यहाँ पे मशीन में। देखिए कपड़े धुला रहा है, और ये बाबू है, खेल रहा है। क्या कर रहे हो? अब पीटेंगे, पानी उसमें से निकाल के ऊपर कर रहे हो। देखिए बाबू खेल रहा है, कभी से अब मार दें। फिर पानी इसमें आ जा रहा है। मैं सोची टाइम बचा है, लाओ कपड़े धुल लें, कपड़ा धोना स्टार्ट कर दी। तो मैं अब कपड़े वपड़े धुल के डाल दी हूँ, अब चल रही हूँ मैं आराम करने। मिलूंगी आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। क्या दाजी, अब जब नहीं कुछ है तो यस तौलिया मांग रहा है, वो नहा रहा है, कह रहा है तौलिया दो, मैं तौलिया धुल के डाल दी हूँ घर में, मैं इसको क्या दूँ, मांग रहा है तौलिया। हेलो, पास से आ गए, झूला झूलिए। अच्छा, झूला झूले हो? हाँ। मजा आया है? हाँ। हाँ? कितना झूले हो बताओ तो? ज्यादा। बहुत ज्यादा झूले हो? हाँ। अच्छा चलो ठीक है, आप घर चला जाए। हाँ।